सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड में आज फिर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। करीब 2% से 2.25% अभी जो शेयर है वो टूटा हुआ है और 30% अपने बाउंड वीक हाई से हमें ये गिरावट में दिखाई दे रहा है। उधर हुडको में भी आप लोग देखोगे काफ़ी अच्छी गिरावट आज के दिन बनी है भाई, और ये गिरावट जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की वजह से बनी है। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा भी जो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, जिस दिन मार्केट में अच्छी तेजी बनी, तो मार्केट में तेजी बनी तो इन शेयरों में भी तेजी बनी। आज आप लोग देखोगे मार्केट में गिरावट है तो इन शेयरों में भी गिरावट है, यानी कि अभी के टाइम जो इम्पैक्ट आ रहा है इनके ऊपर, जो गिरावट बन रही है वो मार्केट की वजह से बन रही है भाई, ठीक है। और मार्केट में गिरावट क्यों बन रही है, एक तो आप लोग देखोगे भी जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है वो निराशाजनक आते हुए नजर आया है जो इंडिया का, ठीक है, वो इम्पैक्ट डाल रहा है। प्लस आप लोग देखोगे यूएस की इलेक्शंस का रिजल्ट, वो इम्पैक्ट डाल रहा है। कल के दिन आने वाला भी देखो वहाँ पर जो ना अभी कौन राष्ट्रपति के रूप में चुने जाएंगे, ठीक है, उनके रिजल्ट्स कल के दिन आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर एक बार फिर से आते हैं तो आप लोग देखोगे हमारे भारत के लिए भी अच्छा रहेगा और मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डलेगा उन सबसे, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप का आना इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं आते उनकी जगह पर जो इसके अगेंस्ट खड़ी हैं वो आती हैं तो आप लोग देखोगे भी फिर तो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव, जैसा अभी टाइम डर बना हुआ है वो डर फिर लाजमी रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट से कैसे कनेक्शंस हैं वो आपने अगर देखने हैं तो आप लोग देखोगे जो भी हमारी आईटी कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू के ऊपर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आते हुए नजर आएगा, क्योंकि देखो भी जो भी डोनाल्ड ट्रंप के आप लोग देखोगे अगेंस्ट खड़ी हैं वो उन्होंने क्या बोला, हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, ठीक है, टैक्सेस लगेंगे तो आप लोग देखोगे भी फिर तो हमारी कंपनियों के ऊपर रेवेन्यू के ऊपर उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग देखोगे थोड़ा सा बाजार सहमा हुआ है और यही कारण है कि अभी दबाव हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एनबीसीसी को लेकर, एनबीसीसी में आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन सकते हैं। खबर भी आई एनबीसीसी को लेकर अभी अभी, वैसे खबर तो पीछे भी हमें देखने को मिली थी, कंपनी को ऑर्डर मिला था 235 करोड़ का, लेकिन भाई मार्केट की वजह से वो फीका पड़ गया, ठीक है। चलिए देख लेते अभी क्या न्यूज आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी एनबीसीसी की तरफ से ये नोटिस पब्लिश किया गया है, एनएससी बीएससी के साइट पर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपनी ने इसके बारे में क्या डिटेल जानकारी दी है, जैसा कि देखो कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है ना, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड HSCL, ठीक है, ये एक सब्सिडरी कंपनी है एनबीसीसी की, और इसको जो ना अभी एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, इन्होंने एक और ऑर्डर विन किया है जो कि 65 करोड़ का रहेगा अभी, यानी सब्सिडरी कंपनी ने ऑर्डर विन किया तो भाई कंपनी को तो बेनिफिट है ही इसी को। तो यहाँ पर देख सकते हो भी 65 करोड़ का ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के चलते क्या स्टॉक में एक अच्छा एक्शन बनेगा, बढ़ा देखो बड़ा एक्शन तो बनने का मैं कह नहीं सकता, कि स्टॉक में यहाँ से जो है इस ऑर्डर के बाद एक बड़ा एक्शन आ जाएगा, स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, नहीं भाई वो मार्केट में ही जब रिकवरी बनेगी उसी कंडीशन में होएगा। अभी मार्केट आप लोग देखो 400 पॉइंट निफ्टी टूटा हुआ है, ठीक है, और करीब 100 पॉइंट के ऊपर में मिड कैप इंडेक्स टूटा हुआ है और ये मिड कैप का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है भाई। तो ऑर्डर मिला अच्छी बात है, ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रही है, जो एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको जो भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे नीचे के भाव से स्टॉक में रिकवरी बनना स्टार्ट हुई थी, बट मार्केट की वजह से आज हमें ये प्रेशर देखने को मिला है। अगर मार्केट में आज फिर तेजी होती तो ये स्टॉक फिर से अच्छी रैली दिखाता। तो आप लोग देखोगे नीचे के भाव से 17-18% जो ये शेयर है, नीचे से मैं बोल रहा हूँ भाई, जहाँ से 85 के आसपास तक गया था वहाँ से ये स्टॉक ऊपर में जो गया था 100 रुपये के आसपास, लगभग 18% नीचे से रिकवरी लिया, तो कितनी शानदार रिकवरी बनी है। बट ऊपर से आप लोग देखो जो 100 रुपये का इसका भाव था, जो मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हुआ तो स्टॉक ऊपर में 114-115 फिर से जाएगा, बट वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में फिर से दबाव देखने को मिला है। 100 रुपये का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे में सपोर्ट की बात करें तो 90 रुपये के आसपास का सपोर्ट भी है भाई, तो ये लेवल्स रहेंगे। इसके अलावा जो भाई लॉन्ग टर्म विजन है जिनका, 1 साल 2 साल 3 साल का, वो बेचिंतित होकर आए भाई, और नीचे के भाव में अगर मौके मिल रहे हैं इतनी बड़ी गिरावट में खरीदारी के, तो वो मौके हाथ से नहीं जाने चाहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।